ए हाय फ्रेंड्स, होप तो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। एंड आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एचआर राउंड में, टेक्निकल राउंड में मेरे से पूछे गए थे। फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू भी आप बोल सकते हो, टेक्निकल तो नहीं, फाइनल राउंड एंड एचआर राउंड ऑफ इंटरव्यू में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड पास्ट में मेरे से पूछे गए थे। उसके बेसिस पे ये 4 to 5 क्वेश्चन मैंने शॉर्टलिस्ट किया है और आपके पास लेके आऊँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हो, तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, बिकॉज इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है एंड मैं और ढेर सारी वीडियोज आपके लिए लेके आ सकता हूँ। जितना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा उतनी ज्यादा वीडियो जाएगी, सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को। एंड अगर आपको वीडियोज अच्छे लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर देना। सो मैं स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड मेरा जो एक्सपीरियंस था उसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन एंड उसके आंसर मैंने प्रिपेयर किए हैं। सो होप्स कि आपको अच्छा लगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आपको आपके बारे में पूछा जाता है और ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन होता है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ के आंसर नहीं दे पाते हैं करेक्टली। अगर आप खुद के बारे में अगर आप नहीं बता सकते हो, अगर आप खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, देन इंटरव्यूअर कभी आपको सिलेक्ट नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आपको देना है मैं आपको देख के बताता हूँ। आपको सबसे फर्स्टली स्टार्ट करना है, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, माय नेम इज रोहन कुमार शर्मा एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम हाजीपुर बिहार। आई हैव कंप्लीटेड माय सीएमए इन जून 2018। अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम ए बीकॉम ग्रेजुएट, या आई कैन यू कैन से आई एम ए ग्रेजुएट। आई हैव मोर देन 6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इन विच आई हैव गेन नॉलेज इन प्रोडक्ट कॉस्टिंग, वेरियंस एनालिसिस, बजटिंग, फोरकास्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग एंड मेनी अदर कॉस्टिंग रिलेटेड एक्टिविटीज। अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव गेन नॉलेज इन एसएपी लाइक एसएपी एमएम मॉड्यूल, पीपी मॉड्यूल, सीओ मॉड्यूल एंड अदर मॉड्यूल्स एज वेल। सो अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव ए नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस एंड अबाउट माई अचीवमेंट, आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड ट्रांजिशन एट जेनपैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आई हैव वॉन बैडमिंटन ट्रॉफी एट स्कूल लेवल, I have a YouTube channel with more than 6,000 subscribers. About my family consists of 4 persons. My father, he is retired from army. My mother, she is housemaker. My sister, she is beautician. That's all about me. Thank you for like that. Thank you. At the end, आपको बोल देना है। आप starting में एक line और भी add कर सकते हो। Thank you for giving me the opportunity. And उसके बाद आप अपना introduction start कर सकते हो। So hope so कि मेरे introduction से आपको कुछ help मिला हो। एंड आप भी इस तरीके से आप अपने इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर करो। तीन फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ, देन आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, फिर आपको अपने टेक्निकल नॉलेज के बारे में बताना है कि आपको क्या क्या चीज़ आती है, फिर आपके अचीवमेंट्स एंड आपके फैमिली मेम्बर के बारे में। होप सो कि आपको अच्छा लगा हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर अस एंड आपको ऐसा क्यों लगता है कि यू आर फिट फॉर दिस जॉब रोल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बिकॉज इंटरव्यू जानना चाहता है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमारे लिए बेस्ट हो और आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो ये जानना चाहता है। सो आई चूज दिस प्रोफाइल एंड योर कंपनी बिकॉज आई फील इट इज अ परफेक्ट मैच फॉर मी स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। करेंटली दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ रोल दैट, मतलब आप इसको पढ़ लेना, मैं आपको अपना आंसर बताता हूँ। लाइक जब मेरे से पूछा गया था ये क्वेश्चन एसेंचर में, then I have answered like this. I know Accenture is a good organization and there is no bar for a eligible candidate and I can learn more and more and I can use my knowledge more and more. So I am qualified cost accountant. I have more than 5 years of experience in the area of cost accounting and I also know how to implement costing principles in SAP. So I am thinking I am fit for this job role because I have a detailed knowledge of cost accountancy and I know how to implement it. Then it means I can improve the quality of service of the Accenture. So ये answer एक perfect answer था उनके लिए भी and I think ये काफी impressive भी था। So इस तरीके से आपको answer करना है, आपकी क्या skills और strength है आपको उसको find out करना है और link करना है current job role से। Why holds more important for you, work or money? In short, अगर किसी से भी पूछा जाए तो हर कोई पैसा ही बोलेगा, बट ये इनकरेक्ट आंसर है। मैंने ऐसा आंसर एक दो इंटरव्यू में दे चुका था, जब मुझे इसका आंसर कैसे देना है मुझे नहीं पता था। I always say money is important because at the end we are working for money and for day to day living activity we want money. Everyone know about that.
but you can't say answer like this. So you have to start your answer with like this. For me, work is priority. I feel like if I am satisfied with what I do and if I am good at it, money will follow. My goal is to keep learning and upskilling. As my professional skill continue to grow, my professional worth will naturally increase. Like, अगर आपको एक छोटा सा डायलॉग बताऊं, अगर आपने थ्री इडियट मूवी देखा होगा, उसमें रेंचो रहता है. रेंचो का कहना यही है कि पैसे के पीछे मत भागो, पास होने के पीछे मत भागो, आप नॉलेज स्किल्स के लिए पढ़ो. अगर आपके पास नॉलेज स्किल है तो पैसे, डिग्री, दुनिया जहां, सब कुछ आपके पास आएगी. लेकिन अगर आपके पास नॉलेज स्किल्स नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा. सो यू हैव टू आंसर लाइक दिस कि आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लर्निंग है, देन मनी. अगर आप लर्निंग, अगर आपकी अच्छी है, आपके पास स्किल स्ट्रेंथ है, तो मनी विल ऑटोमेटिकली फॉलो योर नॉलेज. सो यू हैव टू आंसर लाइक दिस. टेल अस अबाउट योर सैलरी एक्सपेक्टेशन. दिस इज दी, ये एचआर ऑन के क्वेश्चन में पूछा जाता है. और बच्चे बोलते हैं, मुझे 9 लाख का सैलरी आप ऑफर दे दो, 10 लाख का ऑफर कर दो, लाइक दैट. मतलब हम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देते हैं. बट हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कभी भी इंटरव्यू में नहीं देना चाहिए. अगर आपको जो भी कहना है उसको आप घुमा के कहना होता है. लाइक दैट, सपोज मुझे एसेंचर या जेनपैक में अगर हायर होना है, या फिर किसी और बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, सो आपको स्टार्ट करना है, आई नो एसेंचर इज गुड ऑर्गेनाइजेशन, आई नो जेनपैक इज गुड ऑर्गेनाइजेशन, एंड देर इज नो बार फॉर एलिजिबल कैंडिडेट. सो आई एम एक्सपेक्टिंग एज पर माई नॉलेज, माई एक्सपीरियंस एंड माई स्ट्रेंथ, आई कैन एक्सपेक्ट अ सैलरी रेंज बिटवीन 9 to 12 lakh एंड 9 to 10 lakh, लाइक दैट. ऐसे करके आपको आंसर करना है. पहले तो आपको थोड़ी सी कंपनी के बारे में अच्छी बातें बोलनी है, जिससे एचआर को आपको इम्प्रेस करना है. देन आपको खुद के बारे में बोलना है कि आपके अंदर क्वालिटी है, इसलिए आप इतना सैलरी एक्सपेक्टेशन कर रहे हो. होप सो कि आपको ये भी आंसर अच्छा लगा हो. एज्यूमिंग बी हायर यू, हाउ लॉन्ग यू वुड बी विद अस. अगर स्टेट फॉर डिस्क आंसर दू, कोई बच्चा 2 साल बोलता है, कोई 3 साल बोलता है, कोई 5 साल बोलता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मैं पूरी लाइफ टाइम कंपनी में काम करूंगा, तो आपको इस तरह के आंसर नहीं देने. यू डोंट से नेवर एनी नंबर इन योर इंटरव्यू. आपको बस स्ट्रेट फॉर आंसर देना है कि एज लॉन्ग एज पॉसिबल आई विल ग्रो प्रोफेशनली एंड पर्सनली, सो तब तक मैं इस कंपनी में काम करना चाहूंगा. सो यही आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है. इफ आई एंजॉय वर्किंग हेयर एंड आई फील लाइक I have a bright future ahead of me. I will be dedicated and loyal employee of your organization. I am looking forward to a healthy work environment where I can upskill and grow personally and professionally. As long as I find these aspects here, I will never think about changing my job. So, ये logical answer है. अगर आप numbers बोलोगे तो फिर उनके दिमाग में आएगा कि 2 साल का इसने टारगेट लिया, तो अब 2 साल बाद आप चले जाओगे. उनके दिमाग में ये नहीं आएगा तो आपको हायर करने के बारे में सोचेंगे नहीं. बिकॉज जो आप पहले तो 2 साल तक आपने इन्वेस्ट करेंगे, आपको चीजें सिखाएंगे, और जब आप से आउटपुट लेने का टाइम आएगा तो आप कंपनी छोड़कर आप चले जाओगे. तो कभी भी ऐसे आंसर्स नहीं देने, आपको इस तरीके से आंसर देना है. हाउ डू यू फील डील विद ए क्रिटिसिज्म. देखो, वर्क प्लेस में क्रिटिसिज्म होता है, आपका फीडबैक आएगा, आपके एस्केलेशन आएंगे, तो आप उसको निगेटिव वे में लेके जाते हो, पॉजिटिव वे में लेके जाते हो, ये इंटरव्यू आपसे जाना चाहता है. सो ऑलवेज आपका आंसर ऐसे करना है कि आप जितने भी आपके फीडबैक्स आते हैं, आप उसको निगेटिव वे में नहीं लेते हो. यू ऑलवेज टेक एज ए पॉजिटिव वे एंड यू लर्न फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ सर्विस. एंड आपको इसके बारे में इस तरीके से आपको बताना है कि आपके ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ना कि निगेटिव इम्पैक्ट. And you will improve yourself on continuous basis based on the feedback and try to remove it. Okay? So what would you rate yourself on a scale of 1 to 10? आप अपने आप को क्या रेटिंग दोगे 1 out of 10? देखो, आप इसमें ना कभी 10 रेटिंग देना और ना कभी 5 रेटिंग देना, क्योंकि अंडर स्कोर भी आपकी एलिजिबिलिटी को बताता है और ओवर स्कोर इसमें आप ओवर कॉन्फिडेंट हो खुद के बारे में, ये बताता है. तो आपको अपने आप को मीडियम स्केल पर रखना है. जैसे मैं, मेरे से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं 8 भी नहीं देता, मैं खुद को 7 रेटिंग देता हूँ, ना 5 ना 10, 7. तो क्यों? क्योंकि देर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट. बिकॉज ऑफ दिस आई एम गिविंग रेट दिस टू माई सेल्फ. आपको इस तरीके से बोल देना है, ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 आई विल रेट माई सेल्फ एट 8 or 7. द रीजन फॉर दिस बिकॉज आई नो दैट आई एम नॉट परफेक्ट. There is always room for improvement, or there is always a scope of improvement and upskilling. आपको ऐसे आंसर करना है. Would
बिलिंग टू लाइफ फॉर द कंपनी, अगर आपको कंपनी के लिए झूठ बोलना पड़े तो क्या आप झूठ बोलोगे? तो आपको इसका भी आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देना है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यस बिकॉज कंपनी मेरे को सैलरी दे रही, ऐसे आंसर नहीं करना है। यस अगर ये कंपनी के बेनिफिशियल है और ये कंपनी को हार्म नहीं करता है, कंपनी के एम्प्लॉय या कंपनी के बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं करता है, एंड एवरीवन विल हैप्पी विद दिस लाइफ, तभी मैं झूठ बोलूंगा, अदरवाइज नहीं बोलूंगा। ठीक है, सो एट फर्स्ट गो आई प्रोबेबली से नो टू लाइंग, बट इफ माई लाइफ वुड प्रॉफिट द कंपनी एंड इट्स एम्प्लॉय विदाउट ब्रिंगिंग एनी हार्म व्हाटसोएवर, I would be okay with lying, but I would never want to or harm anyone through my life. Okay, so आपको इस तरीके से करके आपको answer करना है। Hope so आपको सारे slides अच्छे लगे हो and आपको ये video अच्छा लगा हो। Thanks for watching this video. अगर video अच्छे लगे हो तो अपने channel को subscribe करना और अपने friend के साथ share करना। Bye, take care, best of luck.